मथुरा के श्री रामलीला मैदान में रावण का वध श्री राम द्वारा किया गया। इस अनोखी रामलीला को देखने के लिए मथुरा नगर ही नहीं अपितु आसपास के क्षेत्र से भारी संख्या में श्रद्धालु श्री रामलीला मैदान महाविद्या कॉलोनी में उमड़े। विशालकाय पुतले के दहन को देखने के लिए लोगों का हुजूम रामलीला मैदान पर उमड़ पड़ा। आइए आपको दिखाते हैं अपने संवाददाता मोहित चतुर्वेदी की ये रिपोर्ट। रामलीला सभा के धनराज दशानन का वध की लीला हो रही है, किस तरीके की व्यवस्थाओं में पूरा कार्यक्रम संपन्न? ये रामलीला सभा रजिस्टर्ड मथुरा के तत्वाधान में आज दशहरा मेला रामलीला ग्राउंड में लगाया जा रहा है। आज असत्य पर सत्य की विजय होगी, असत्य पर सत्य की विजय होगी। अभी हमारे राम जी पूरी युद्ध के साथ रावण से युद्ध होगा। युद्ध में काफी बाने जब मारे जाएंगे पता ही नहीं लगेगा कहाँ हुआ, तो विभीषण कान में कहेंगे कि नाभि में मारिए, और नाभि में मारने के बाद जब नाभि में तीर लग जाएगा तो रावण का विध्वंस हो जाएगा। असत्य पर सत्य की जीत हो जाएगी, अहिंसा पर हिंसा की जीत होगी, हिंसा पर अहिंसा की जीत होगी। इसी तरह हमारा देख रहे हैं पूरा रामलीला ग्राउंड भरा हुआ है, लाखों की जनता हमारे यहाँ आती है, और सभी राम भक्त प्रेमी जितने लोग हैं वो सब बड़े आनंद लेते हैं राम जी को उसमें। ये हमारी लीला 144 साल पुरानी है। अयोध्या मैदान में आयोजित हो रहे श्री रामलीला महोत्सव के अंतर्गत अब यहां पर मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार चौधरी लक्ष्मी नारायण भी यहां मौजूद है, जो इस लीला का आनंद ले रहे हैं। उनसे बात करते हैं कि किस तरीके के भाव उनके मन में आ रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे इस महा महोत्सव के अंतर्गत। आज के दिन को लेकर क्या कहेंगे? दशहरा का अति पावन पर्व है। दशहरा का अर्थ है बुराई पे भलाई की विजय। भगवान राम और भगवान कृष्ण की वजह से भारतवर्ष की पहचान है। भगवान राम जैसा आज तक न कोई पुत्र हुआ, न कोई मित्र हुआ, न भगवान राम जैसा कोई भाई हुआ, न भगवान राम जैसा आज तक कोई शत्रु हुआ, और न कोई भगवान राम जैसा पति हुआ। ऐसे आदर्श श्री राम के हैं। ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, राकापत सोड़स उगे तारागण समझाए, सकल गिरन दब लाइए रब बिन रात न जाए। उन्होंने ये कहा, बार मथे होए घृत शिकता सो बर तेल, बिन हरि भजे न भवतर यह सिद्धांत पेल। समस्त तारागण एक साथ चमके, चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से चमके, लेकिन रात्रि का अंत तब होता है जब सूर्य की किरण आए। ऐसे ही भगवान श्री राम के बगैर उद्धार नहीं हो सकता। चाहे पानी के मथने से घी निकल आवे, चाहे बारू के मथने से तेल निकल आवे। और तुलसीदास जी ने अंत में तो ये कह दिया, जाके न प्रिय राम वैदेही, सजो ताहे बैरी सम यद्यप बनम शर परम स्नेही। ये उदाहरण उन्होंने इसलिए दिया, एक हिरण का शप ने अपने पुत्र से कहा, एक राम का भजन नहीं करेगा मेरा कर, तो हिरण्यकश्यप के पुत्र ने प्रहलाद ने अपने पिता को भी त्याग दिया, ध्रुव ने अपने पिता को त्याग दिया। इसलिए जो राम को भजता है, जो राम का प्रिय है, वही व्यक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए आज इस दशहरा के पावन पर्व पर मैं अपनी ओर से, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से समस्त ब्रजवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। वो और राम के आदर्शों पे हम चलें, भगवान कृष्ण के आदर्शों पे चलें, यही सच्चा जीवन का अर्थ है। तो इस तरीके से अभी हमारे साथ रहे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण, जिन्होंने अपने भाव व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम के गुणों का बखान संभवतः किया जाना मुश्किल है, क्योंकि उनके जैसा जहां पति नहीं, उनके जैसा पुत्र नहीं, उनके जैसा भाई नहीं, तो उनके जैसा शत्रु भी नहीं। ऐसी कुछ व्याख्या जब उन्होंने की तो निश्चित तौर पर प्रभु श्री राम के गुणगान हर कोई कर सकता है, तो क्यों न करे। इतनी सारी खूबियां होने के बाद में, आराध्य होने के बाद में भी यदि उनके कोई गुणगान न करे, उनका जयकारा न लगाए, तो सभी कुछ अधूरा सा नजर आता है। मथुरा के महाविद्या मैदान में इस समय प्रभु श्री राम और रावण के युद्ध का मंचन अब शुरू होने वाला है।
और उसके बाद में रावण का वध होगा, बुराई पर अच्छाई की जीत होगी, असत्य पर सत्य की जीत होगी और एक बार फिर से जय श्री राम के घोष से पूरा महाविद्या मैदान गूंज उठेगा। मथुरा नगर के महाविद्या मैदान में इस समय प्रभु श्री राम और अत्याचार के प्रतीक रावण के दलबल के साथ में युद्ध की लीला संपन्न हो रही है। मैदान में इस समय लीला आयोजित हो रही है, जहां आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर ये रावण का रथ आपके सामने आते हुए और उनके ही पीछे पीछे प्रभु श्री राम भी अपने रथ पर विराजमान है, जहां से मैदानी युद्ध प्रारंभ हो चुका है। बड़ी संख्या में यहां पर श्रद्धालु मौजूद हैं। पुलिस बल और श्री रामलीला सभा के पदाधिकारियों के द्वारा लगातार व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं, जिससे कि किसी भी तरीके की कोई अव्यवस्था न फैले और कार्यक्रम बेहतर ढंग से संपादित हो सके। रावण अपनी भुजाओं को फड़फड़ाते हुए अपने हाथों में तलवार लेकर प्रभु श्री राम के वीर सैनिकों को ललकार रहा है और अब से कुछ ही देर बाद रावण वध के साथ ही इस लीला का समापन होगा। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर सभी रामलीला सभा के पदाधिकारी यहां पर व्यवस्था बना रहे हैं और किसी भी तरह की व्यवस्था न फैले इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। सीओ सिटी दलबल के साथ यहां मौजूद है। आतिशबाजी का भव्य और अनुपम नजारा और हर ओर जय श्री राम के जयघोष गूंज रहे हैं। प्रभु श्री राम का रथ आगे बढ़ते हुए रथ पर बैठकर दोनों ही योद्धा युद्ध कर रहे हैं और दर्शक दीर्घा में उपस्थित सभी श्रद्धालुओं का बस अब इंतजार है रावण के वध की वो घड़ी आने का। हर हर महादेव की गूंज, जय श्री राम की गूंज और सभी इंतजार कर रहे हैं प्रभु श्री राम रावण का वध कर माता जानकी को सुरक्षित उसके चंगुल से मुक्त करा ले। बस इसी बात का इंतजार हर ओर हो रहा है। त्रेता युग में जो लीला संपन्न हुई थी वह एक बार फिर से जीवंत की जा रही है। देश भर के साथ धर्म नगरी कान्हा की नगरी यशोदा नंदन प्रभु श्री कृष्ण की नगरी में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की लीलाओं का 21 दिवसीय मंचन आज रावण वध किया जा रहा है। विजयादशमी का पर्व, दशानन के वध का पर्व आज मनाया जा रहा है। बैंड की मधुर धुन जो जोशीले अंदाज के साथ में राम जी की सेना चली के धुन को बजाते हुए सभी में जोश और उल्लास भरने का काम कर रहा है। कुछ ही देर में अत्याचारी रावण का वध होगा और एक बार फिर से सत्य की विजय होगी। यही मंचन और यही इस पूरे आयोजन का उद्देश्य है, जिसको पूरा किया जाएगा। महाविद्या मैदान में प्रभु श्री राम और रावण का युद्ध हो रहा है और उसके बीच में यहां पर अतिथि बतौर मौजूद है उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व ऊर्जा मंत्री और मथुरा के प्रख्यात चेहरे रविकांत गर्ग। उनसे बात करते हैं कि आखिर क्या भाव लेकर के वो यहां पर बैठे हुए हैं और किस तरीके के आनंद वो प्राप्त कर रहे हैं। आज का पूरा आयोजन आयोजित किया जा रहा है, किस तरीके की व्यवस्था है, आप क्या कहना चाहेंगे? रामलीला सभा के तत्वाधान में 22 दिवसीय है जो रामलीला मंचन का रामलीला महोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है, उसके अंतर्गत विजयदशमी का पर्व यहाँ पर आज मनाया जा रहा है। प्राचीन रामलीला मैदान है, इस रामलीला मैदान में रामलीला सभा भी अपना कार्य करती है, प्रशासन अपना काम करता है, नगरपालिका नगर निगम अपना काम करता है और सबके अपने अपने दायित्व तो महीनों पहले से निर्धारित हो जाते हैं। उसके बाद भी अगर कोई अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करे तो वह जनता की आस्था पर चोट पहुंचाने वाला कार्य है और जनता की आज जिस प्रकार की व्यवस्था यहाँ दिखाई दे रही है उससे जनता की आस्था को ठेस लग रही है। इस तरीके से हमारे साथ रहे अभी उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व ऊर्जा मंत्री रविकांत गर्ग। उन्होंने जहाँ इस कार्यक्रम के आयोजन को उत्पन्न होने वाले आनंद के विषय में जानकारी दी तो वहीं पर यहाँ पर जो विभागों के द्वारा दायित्व निभाने चाहिए थे
वो भी नहीं निभाएंगे, उसकी ओर भी इशारा किया। यहाँ पर तमाम गंदगी की ओर उन्होंने इशारा करते हुए बताया कि काफ़ी गंदगी यहाँ पर है जिसको हटाया जाना चाहिए था, परंतु वो नहीं हट पाई है। ये पूर्व ऊर्जा मंत्री रविकांत गर्ग जी का कहना है। साथ ही उनका इस ओर भी ध्यान आकर्षित करना है कि जो विभागों को जिम्मेदारी पूर्व में निर्धारित की गई थी, उन जिम्मेदारियों का भी उनके द्वारा सही तरीके से निर्वहन नहीं किया गया, जो गलत है। इन सभी जिम्मेदारियों को जिम्मेदार विभागों के द्वारा निर्वहन किया जाना अति आवश्यक है और उसको जरूर करना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रथ यहाँ पर तैयार हो चुके हैं, एक और रामा दल यहाँ पर विराजमान होगा एक रथ में, एक और रावण का पूरा दल यहाँ पर विराजमान होगा। अब ये गाड़ियों के माध्यम से चलते हुए यहाँ पर राम और रावण के युद्ध का मंचन किया जाएगा। मंच से राम प्रभु अपने दल बल के साथ रथ की ओर बढ़ रहे हैं, तो वहीं पर रावण भी, रावण के द्वारा भी अपने राक्षसी सेना के साथ रथ पर विराजमान होकर के अब युद्ध लड़ा जाएगा। मैदानी युद्ध दिखाया जाएगा, एक अतुलनीय और विहंगम दृश्य यहां पर बनेगा। आप देख सकते हैं कि रथ पर जो रावण की सेना है, राक्षस दल है, वो तलवारें लहराता हुआ राम प्रभु के सेना और उनके सैनिकों को ललकार रहे हैं। रावण अपने दलबल के साथ में अपने रथ पर बैठ गए हैं। राम जी का, प्रभु श्री राम का रथ आगे बढ़ रहा है, जिसमें प्रभु श्री राम अपनी सेना के साथ इसमें विराजमान होंगे और उसके बाद में रथ पर दोनों ही महाबलियों का युद्ध संपन्न होगा। बहुत ही विहंगम और अद्भुत दृश्य यहां पर इस समय, जो त्रेता युग में प्रभु श्री राम और रावण के युद्ध के समय पर दृश्य उत्पन्न हुआ था, वही बनाने का पूरा प्रयास यहाँ पर रामलीला के कलाकारों के द्वारा किया जा रहा है। प्रभु श्री राम अपनी सैनिकों के साथ अपने रथ पर पहुंच रहे हैं, हनुमान जी भी उनके साथ हैं। असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक विजयादशमी का पर्व समूचे देश भर के साथ धर्म नगरी कान्हा की नगरी मथुरा में भी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। 21 दिवसीय इस पर्व के अंतर्गत आज दशानन के वध की लीला संपन्न हो रही है। महाविद्या मैदान में आयोजित इस लीला में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं, राम भक्त आए हुए हैं और दर्शक आए हुए हैं, जो यहाँ पर उस लीला को जीवंत होते देख रहे हैं। त्रेता युग में जिस तरीके से प्रभु श्री राम ने अत्याचारी रावण का वध कर माता सीता को उनकी चंगुल से मुक्त कराया था, उसी की आज जीवंत लीला यहाँ पर संपन्न हो रही है। श्री रामलीला सभा के बैनर तले व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर लीलाओं को संपादित किया जा रहा है। आप देख सकते हैं इस समय मंच पर एक ओर रावण तो दूसरी ओर राम का दरबार लगा हुआ है। हनुमान जी के द्वारा अभी मकरध्वज यानी कि अपने पुत्र के साथ में अभी युद्ध किया गया, जब अहरावण प्रभु श्री राम और उनके छोटे भाई लखन को अपने साथ पाताल लोक में ले गया, उसके बाद जब उनकी खोज में भक्त शिरोमणि हनुमान जी महाराज आए, तो उस दौरान उनके पुत्र मकरध्वज के साथ उनका युद्ध हुआ था। अभी यहाँ पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण भी आ चुके हैं, अन्य सभी पदाधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं। जयंती प्रसाद अग्रवाल, गोपेश्वरनाथ चतुर्वेदी, सोहन लाल शर्मा सहित तमाम पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। विशिष्ट और मुख्य अतिथि यहाँ पर मौजूद हैं, जो यहाँ पर इस लीला के संपादित होने का आनंद ले रहे हैं। पुलिस की व्यापक व्यवस्थाएं हैं, LIU भी सक्रिय है, तो साथ में यहाँ पर वॉलंटियर्स भी लगातार पैनी नज़र बनाए हुए सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर राम भक्त श्रद्धालु आए हुए हैं, इस लीला का आनंद ले रहे हैं। वॉलंटियर्स भी यहाँ पर व्यवस्थाएं बनाने में जुटे हुए हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पर हर कोई मौजूद है। मंच पर इस समय प्रभु श्री राम की लीलाओं का मंचन किया जा रहा है। हनुमान जी हाथ में तलवार लिए हुए खड़े हैं और प्रभु श्री राम और लखन को पाताल से पुनः युद्ध स्थल की ओर लेकर के जाने की लीला आयोजित हो रही है, जिसके अब कुछ देर बाद ही अहरावण का वध होगा और उसके बाद लंकापति दशानन रावण के वध की लीला यहां पर संपादित होगी। वैदिक रीति से जिस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित रामचरित मानस में प्रभु श्री राम की लीलाओं का वर्णन किया गया है, उसी के अनुरूप और उसी के आधार पर
यहाँ पर पूरी लीला संपादित कराई जा रही है। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, ये राम दरबार है जहाँ पर प्रभु श्री राम और लखन के आगमन के इंतजार में रामा दल इंतजार कर रहा है। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर हनुमान जी की युद्ध हो रहा है अहरावण के साथ। युद्ध की लीला को जीवंत किया जा रहा है यहाँ पर। अहरावण का हनुमान जी के द्वारा वध कर दिया गया। बीच बीच में यहाँ पर भव्य आतिशबाजी का नजारा दर्शकों को आकर्षित कर रहा है। अब चलता हूँ सरकार को खबर देता हूँ। अरे हाय चोरों ने सरकार मर गए रे, बसर गए रे, लंका नगरी को बर्बाद। वहीं इस मंच के बराबर में रावण और अहरावण के पुतले तैयार खड़े हुए हैं भव्य आतिशबाजी के साथ। अब से कुछ देर बाद इनका दहन संपन्न होगा। पुत्र मगरथ, मैं तुझे आज से पाताल का राज देता हूँ। जय श्री राम। भक्त शिरोमणि हनुमान जी के द्वारा अपने पुत्र मकरध्वज को पाताल का राजा बनाया गया, उसकी लीला संपादित की गई है। अब हनुमान जी राम और लक्ष्मण जी को अपने साथ उन्हें रामा दल की ओर लेकर के जा रहे हैं। दशहरा की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस दिवस एक आतंक का अंत हुआ, अत्याचार पे सदाचार की विजय हुई तथा राम ने रावण को मारा। यही नहीं, हमारे आज आरएसएस का जो स्थापना दिवस है, हिंदू सनातन धर्म के जो पुरोहिता है एडगेवार जी ने आज से 100 वर्ष पूर्व आरएसएस की स्थापना की, हिंदुओं को एक किया, सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए संघ ने जो कार्य किए हैं उस कार्य को देखते हुए आज विजयदशमी पर्व पर सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई और सब सद्भावना, धन्यवाद। लगभग 16.5 लाख हो गए जब प्रभु रामचंद्र जी का प्रादुर्भाव हुआ था और तभी से हिंदू समाज आज तक विश्वास लिए हुए है। हम पे साधन हो न हो, हम पे सेना हो न हो, हम पे शक्ति हो न हो, लेकिन हम सत्य के रास्ते में रहेंगे तो बड़े बड़े अत्याचारी को ये परास्त कर सकते हैं। राम जी ने
कह के नहीं, ये करके दिखाया है। रावण का समुद्र के बीच में किला, ऐसे ऐसे उसके सेनापति, इतने उस पर हथियार, लेकिन असत्य पे चल रहा था। राम जी के साथ में बानर भालुओं की सेना, पेड़ पर्वत ये उनपे हथियार, उसके बावजूद ऐसी जो विश्वविजयी रावण है, त्रिलोक विजयी रावण है, उसको परास्त किया, क्योंकि असत्य के रास्ते में था। तो आज भी हम उसी राम का गुणगान करते हैं, उसी रास्ते चलने का प्रयास करते हैं। विश्वास होता है कि यदि अधर्मी कितना भी ताकतवर हो, अत्याचारी कितना भी ताकतवर हो, यदि हम सत्य पर रहेंगे तो प्रभु हमारी मदद करेंगे, साधन इकट्ठे होंगे। और उसी विश्वास के साथ में आप देखते हैं कि लाखों लाखों लोग पूरे भारत वर्ष में हर जगह रामलीला मनाई जाती है। सबसे ज्यादा रामलीला का ही इसलिए होता है कि हिंदू समाज ने ससुराल आदर्श जीवन राम जी ने जी के दिखाया। राम जी ने कैसे भाई से संबंध लो, कैसे माता पिता संबंध लो, कैसे पति संबंध लो, कैसे प्रयास संबंध लो, और राम राज्य जैसी आज तक कोई राज्य व्यवस्था पैदा नहीं हुई। तो उसी आशा में लोग जो आज भी ये कल्पना करते हैं कि प्रभु ऐसे सामर्थ्य दे कि यहाँ राम राज्य हो जाए, अब के और विशेष उत्साह है। आप देखते हैं मंच पे भी अयोध्या में रामलला के मंदिर का चित्र लगाया गया है, तो लोगों को ये बहुत अब के उत्साह इसलिए है कि लगभग 500 साल बाद अयोध्या में प्रभु रामलला अपने स्थान पर विराजमान हुए। हमारे 3.5 लाख पुरखे बलिदान देंगे, लेकिन वो इस दिन को नहीं देख सके। तो लोगों को आज उत्साह है कि आज इसी वर्ष 22 जनवरी को हमने बलिदानी पुरुषों को सच्ची श्रद्धांजलि है। संघ में विश्वास भी पैदा हुआ है कि यदि अयोध्या का कलंक मिट सकता है तो मथुरा का कलंक भी मिटेगा, काशी का कलंक भी मिटेगा। और जहाँ जहाँ अत्याचारी विधर्मी विदेशी लुटेरों ने हिंदू समाज को अपमानित करने के लिए हमारे आराध्य स्थलों को नष्ट करके और अपमान के चिन्ह लगाए, वह अयोध्या कांड ने यह सिद्ध कर दिया, वो भी सब समाप्त होंगे और वह भी हम सम्मान के साथ में हिंदू समाज पूरे विश्व में खड़ा होगा। यह राम जी ने करके भी ये भी हमको प्रेरणा संदेश दिया है। और इसी भावना से आज इतने लोग उत्साह के साथ में हर कार्यक्रम अशोक कर रहे हैं, और ये जो समूह है इसी विश्वास के साथ में यहाँ आया हुआ है कि प्रभु ऐसी सामर्थ्य दे कि हम अधर्मियों को, विधर्मियों को, अत्याचारियों को भारत समाप्त करके भारत माता को विश्व को आसान कर सकें। जय श्री राम। अयोध्या मैदान में जिस तरीके से प्रभु श्री राम और रावण के मध्य के युद्ध का वो दृश्य मंचन किया जा रहा है, ऐसे में हमारे साथ मौजूद है श्री राम सभा के प्रवक्ता, मीडिया प्रभारी शशांक पाठक, उनसे बात करेंगे क्या व्यवस्थाएं की गई है, किस तरीके से इस पूरे आयोजन को संपन्न कराया जा रहा है। आज मथुरा में श्री रामलीला सभा के द्वारा ये दशहरा मेला का विशाल ऐसा आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर आज रावण के पुतले का दहन होगा। इस रावण के पुतले में अब की बार बहुत आकर्षक वस्तुएं लगाई गई हैं, जैसे कि जब रावण के पुतले का दहन होगा तब अट्टहास करता हुआ ये रावण आतिशबाजी के साथ में काफ़ी तरह की इसमें आतिशबाजी निकलेगी, जो कि अलीगढ़ एवं अनेक जनपदों से मंगाई गई हैं। और इस मेला को व्यवस्थित करने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह लगा हुआ है। आज रामलीला सभा के द्वारा श्री कृष्ण भगवान की जन्मस्थली में ये रावण वध दहन लीला का आयोजन किया जा रहा है, और आप देख रहे हैं कि ये संपूर्ण नगर राम में हो रहा है।
राम के द्वारा अग्नि बाण छोड़ने के साथ ही अत्याचारी रावण का वध हुआ। त्रेता युग की वही कथा जीवंत हुई, एक बार फिर से अत्याचार का वध होकर के असत्य पर सत्य की विजय हुई। आप देख सकते हैं धू धू कर जलता हुआ ये रावण और अहरावण का पुतला, जिसमें लगातार आतिशबाजी की आवाजें गूंज रही हैं और चारों ओर गूंज रहा है जय श्री राम का जय घोष। त्रेता युग में जिस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के द्वारा अत्याचारी राजा रावण का वध कर माता सीता को उनसे आजाद कराया था, वही कथा एक बार फिर से जीवंत करी गई है और महाविद्या मैदान में एक बार फिर से अत्याचारी रावण का वध हुआ है। असत्य पर सत्य की जीत हुई है, इसकी कथा को जीवंत किया गया है। मथुरा से समूचे देश भर में प्रभु श्री राम के जय घोष से समूचा ब्रजमंडल, समूचा देश भर एक बार फिर से गूंज उठा और सभी ने एक बार फिर से जय घोष लगाते हुए प्रभु से ये कामना की कि जिस प्रकार से आपने त्रेता युग में अत्याचारी राजा रावण का वध किया था, उसी प्रकार से कलयुग में भी जितने भी अत्याचार हैं और जितने भी अत्याचार के प्रतीक हैं उन सभी का अंत हो, यही कामना है। नियो न्यूज़ के लिए अपने सहयोगी साथी दीपक गुप्ता के साथ मोहित चतुर्वेदी।